पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं खास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ। ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। आपके आने जाने में इतना समय खराब हो जाएगा, इतना पैसा खराब हो जाएगा, इतनी ऊर्जा खराब होती है। दिल्ली में रहिए। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा लॉकडाउन है और छोटा ही रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद बढ़ाने की जरूरत ना पड़े। आप दिल्ली में रहिए, यकीन मानिए हम पूरी ईमानदारी के साथ सब मिलके लड़ेंगे तो जल्दी इस मुसीबत से छुटकारा पाएंगे। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री की मासूमियत और मजबूरी। केजरीवाल ने बड़े प्यार से हाथ जोड़कर लोगों से कहा था कि दिल्ली में ही रहे, हम मिलकर ईमानदारी से इस मुश्किल से छुटकारा पाएंगे। दिल्ली सरकार की ईमानदारी का तो पता नहीं, लेकिन ये मिनी लॉकडाउन लार्ज जरूर हो गया। मुश्किलों से छुटकारा तो दिल्ली सरकार ने क्या ही दिलाया, ये बताने की जरूरत नहीं। अस्पतालों की हालत सब बयां कर रही है, ऑक्सीजन की किल्लत चीख चीख कर बता रही है, शमशानों की तस्वीरें खामोशी में सब उगल रही है। खैर, केजरीवाल की बातों पर बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस बयान को नाटक बताया है जिसमें उन्होंने लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों से दिल्ली से पलायन नहीं करने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि यही नाटक कोरोना के दौरान पहले भी किया गया था। बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट किया, केवल हाथ जोड़कर दिल्ली के सीएम का ये कहना कि दिल्ली से लोग पलायन ना करें, यही नाटक कोरोना के दौरान पहले भी किया गया था। ये सब अब महाराष्ट्र, हरियाणा व पंजाब आदि राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। अब पंजाब में लुधियाना से भी लोग काफी पलायन कर रहे हैं, यह अति दुखद है। उन्होंने कहा, यदि इन जगहों की राज्य सरकार इन लोगों में विश्वास पैदा करके उनकी जरूरतों को समय से पूरा कर देती तो ये लोग पलायन नहीं करते। ये राज्य सरकारें इस मामले में अपनी अपनी कमियों को छिपाने के लिए अलग अलग तरह की नाटकबाजी कर रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। बता दें कि केजरीवाल सरकार लगातार यही आरोप लगाती रही कि केंद्र से हमें पूरी मदद नहीं मिल रही, हमें पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही। वहीं केंद्र सरकार लोगों की जान बचाने की कवायद में जुटी हुई है, पर हर मामले में राजनीतिक रोटियां सेकने वाले नेताओं की कथनी और करनी में कितना अंतर है, ये बात तो अब जनता भी समझ रही है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।